कई संगठन आते हैं बोलते हैं कि जो हाँ सबको रोजगार मिलेगा, हाँ समान शिक्षा होगी, तो क्या है कि जो मध्यम वर्गीय युवा है, निम्न वर्गीय युवा है, वो ऐसा सोचता है कि सबको रोजगार मिल जाएगा, सबके लिए आ जाएगा, देश में गरीबी नहीं रहेगी, तो वो जो है 2-3 साल 4 साल उसमें जो है बर्बाद करता है, कहीं ढपली बजाएगा, कहीं कुछ करेगा। ये युवा तो जो है ना, आजकल का युवा इंस्टाग्राम रील्स देख के सुबह जो है IAS बनता है, शाम को बिजनेसमैन बनता है और रात को कुछ और बन के जो है सो जाता है जैसे प्रकाश के जीवन में कोई एक लड़की आई थी कैंपस में, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है जो उसकी जो एक नींद दिनचर्या, कई आती है हाँ, पर एक ऐसी आती है ना जो उसका पूरा चल रहा होता सब, मतलब सिस्टम उसका एकदम बिल्कुल परिवर्तित कर देती है, जीवन परिवर्तित कर देती, सिस्टम लक्ष्य नहीं उससे जीवन सब पूरा परिवर्तित। हर जीवन दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र है, जब प्रकाश का कैरेक्टर पढ़ेगा वो अपने आप को ही। रिलेट करेगा कि कहीं। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और नया पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताएंगे सूरज। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं विकास सिंह गौतम जी, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। कुछ ऐसा विषय है कि जिस पे हम बात करेंगे कि एक छात्र होता है, एक छात्र या छात्रा जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में अपना एक सपना लेकर आता है और वहाँ स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ ये सपना भी देखता है कि देश के सबसे बड़े परीक्षा को पास करके वह एक अधिकारी बनेगा, परंतु कैंपस के बाबाओं तथा मासुकाओं के चक्कर में पड़कर वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं विकास सिंह गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस अपने YouTube चैनल में आमंत्रित किया। कि दिल्ली विश्वविद्यालय में न जाने कितने छात्र हर साल प्रवेश करते हैं और उनके मन में न जाने कितने सपने होते हैं, कि कोई ब्यूरोक्रेसी के लिए आता है, कोई जो है और भी लक्ष्य लेके आता है, कोई सरकारी नौकरी के लिए आता है, मतलब तो किसी भी टाइप की सरकारी नौकरी, मगर लेकिन फर्स्ट ईयर में आता है, सेकंड ईयर में कुछ उसके विचारों में परिवर्तन होता है, थर्ड ईयर आते आते उसके विचार और परिवर्तित हो जाते हैं। तो पूरे उपन्यास में कोशिश की कि किस तरीके से जो परिवर्तन होता है, जो फर्स्ट ईयर में विचार रहते हैं थर्ड ईयर में बदल जाते हैं या फिर थर्ड ईयर के बाद कुछ और बदल जाते हैं, और जो एक सामाजिक जीवन है दिल्ली विश्वविद्यालय का, जो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, पूरे जो है एक समाज को सीखने के लिए जो एक सामाजिक जीवन है उसे सीखना बड़ा महत्वपूर्ण है, उस परिवर्तन को दर्शाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपका क्या अनुभव रहा है जब आप अपने छात्र जीवन में थे, तो आपका क्या, आप भी एक कोई ना कोई सपना लेके आए होंगे कि मुझे यही बनना है, या आपका यही सपना था कि मुझे जाकर वहाँ पे एक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत नहीं, देखिए मेरा कोई ऐसा विशेष सपना नहीं था कि मैं जो है प्राध्यापक बनूं, बस मैं सामाजिक जीवन को अनुभव कर रहा था और इस सामाजिक जीवन को अनुभव करने में मैंने न जाने कितने अनुभवों को महसूस किया। और BA करने के बाद जब मैं MA में था तो मुझे लगा कि क्यों ना इन सारे जो अनुभव हैं उनको समावेशित करके जो है एक कुछ लिखा जाए, तो शॉर्ट स्टोरी में पहले लिखता ही था, फिर मैंने जो ये उपन्यास लिखा उपन्यास, और फिर कई बार मेरे मन में डाउट था कि इस उपन्यास का टाइटल रहे, तो उस समय हम लोग सोशल मीडिया पे चलाते थे #BAOnors, तो #BAOnors से शॉर्ट स्टोरी लिखता था, तो फिर काफ़ी लोगों के सुझाव है कि इसका जो उपन्यास का नाम है BAOnors कर दीजिए, तो ये BAOnors से, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर उस जानकारी में गलती ना हो, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के ऊपर पहला उपन्यास लिखा गया है जो इसी पर केंद्रित है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि भी आपने बताया कि आपका जो ये लेखन है स्पेशली राजनीति और सामाजिक पे केंद्रित है, तो कैंपस में या DU के अंदर किस प्रकार की राजनीति होती है? काफ़ी लोग बहुत ही अनअवेयर होते हैं इस चीज़ से लेकर के, वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं अपना, तो राजनीतिक रूप से क्या चल रहा होता है पता नहीं होता, तो थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि आपने किन किन बातों का जिक्र किया है राजनीति से रिलेटेड? देखिए जो एक जो कैंपस की राजनीति है, आपने तो देखा होगा चकाचौंध वाली राजनीति है और चकाचौंध वाली राजनीति में किस तरीके से हर तरीके के संगठन काम करते हैं और छात्रों को आकर्षित करने के प्रयास करते हैं, छात्रों के हितों में भी काम करते हैं और अपने विशेष एजेंडे के लिए भी काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों से छात्र कितना प्रभावित होता है, ये इस पर प्रकाश डाला है मैंने। दूसरा ये है कि एक जो एक होता है कि हमेशा हम जब
छात्र जीवन में होते हैं तो राजनीति हमें एक जो है एक प्लेटो की भाषा में कहें तो एक यूटोपियन वर्ल्ड के सपने दिखाती है, मतलब सब कुछ एक हो जाएगा, सब कुछ एक हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, इस तरीके के भी कुछ राजनीति होती है। तो जो उस चीज़ से जो युवा जो है कितना भ्रमित हो जाता है, और जब ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर एक कम नंबर आने के बाद जो भ्रमित होने के बाद जब परिस्थिति पता चलती है कि वो जो था वो सपना वो एक यूटोपियन वर्ल्ड था और वो यथार्थ नहीं है, वो एक कल्पना मात्र है, तो उससे फिर उसे पता चलता है कि और फिर सामाजिक जीवन किस तरीके से दोस्त होते हैं, धोखा होता है, और जो भी अनुभव आप की फिल्मों में देखते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय कहीं अलग नहीं है, कोई कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया है, तो इसमें भी इस सारी अनुभव को पिरोने की कोशिश की गई है इस उपन्यास में। तो कोई एक आधा चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा नहीं राजनीति से कैसे प्रभावित होता है, ये आपने दिखाने की कोशिश, कुछ एक आधी बातें बताएंगे जिससे लोग रिलेट कर पाए कि ऐसे प्रभावित हो जाता है व्यक्ति, जैसे कि मतलब जैसे प्रौढ़ लोग होते हैं बताते हैं ये कर लोगे तो आगे जाओगे, हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम पीएचडी में एडमिशन पा जाओगे, या ऐसी सारी चीजें लोक लुभावन वाले चीजें, जैसे कि कई संगठन आते हैं बोलते हैं कि जो सबको रोजगार मिलेगा, समान शिक्षा होगी, तो क्या है कि जो मध्यम वर्गीय युवा है निम्न वर्गीय युवा है वो ऐसा सोचता है कि सबको रोजगार मिल जाएगा, सबके लिए आ जाएगी, देश में गरीबी नहीं रहेगी, तो वो जो है 2-3 साल 4 साल उसमें जो है बर्बाद करता है, कहीं कहीं ढपली हो जाएगा, कहीं कुछ करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में, मैंने कई काफ़ी ऐसे छात्रों को देखा जो इन सब चीज़ों में समय व्यतीत करने के बाद पता लगा कि वो एक समय की पूर्णतः जो है व्यर्थता थी और यथार्थ के धरातल से उन चीजों का कोई लेना देना नहीं था। प्रकाश नाम का कैरेक्टर भी है आपके उपन्यास में, उसके साथ भी उसे भी एक सपना दिखाया जाता है बाबा के जरिए कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, और बाद में फिर उसे मना कर दिया जाता है, बड़ा दुखी होता है इस चीज को लेकर। देखिए ये एक जो है हर दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र है जब प्रकाश का कैरेक्टर पढ़ेगा वो अपने आप को रिलेट करेगा कि कहीं वो तो प्रकाश है, तो जो हर जो लड़का है जो चुनावी एस्पिरेंट रहता है या फिर कभी उसके मन में थोड़ा कहीं जो चुनाव लड़ने का विचार आया तो वो भी प्रकाश की तरह ही अपने आप को ट्रीट करता है कि क्या, लेकिन लड़ना तो एक कोई है, चार लोग तो लड़ेंगे नहीं, हाँ बाद में वो फिर हार भी जाता है चुनाव। अच्छा तो मुझे ये बताइए जिसे होता है ना कि लोग इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं, ठीक है वो अच्छी बात है, उनका एक कह सकते हैं एक तरह का स्किल ही डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों की ये करें, उसके साथ साथ में जो अपना मूल सपना लेके आए थे जो उनको करना है, जो उनसे जिससे उनका जो व्यक्तित्व तो निखलने वाला है वो करते हैं क्या, मतलब देखिए दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है वो मैं बताऊंगा। पहली ये तो आपको लक्ष्य जो भी है एक्स वाई जेड कोई भी लक्ष्य है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, और दूसरी बात ये जो हमारे जो आसपास का जो सामाजिक जीवन है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसको आपके पीयर ग्रुप्स हैं जो आपके दोस्त हैं उनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपके, तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात ये। और अच्छा दूसरी बात ये है अगर उलझेंगे भी तो अगर 1-2 साल बाद रिलेशन भी हो जाए तो भी ठीक है, समय कहीं भागा नहीं जा रहा। आप जो क्लियरिटी की बात कर रहे हैं वो किस क्लियरिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं आपसे अपना क्वेश्चन को थोड़ा और सही करूं कि कई लोगों के मन में द्वंद रहता है कि मैं करूं क्या, वो तो आईएएस भी बनना चाहता है और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसका जो बैकअप वो भी रखता है, तो आप क्लियरिटी किसे कहेंगे, कोई एक को चुन ले या फिर दोनों को लेकर के चलता है या फिर कोई और है ये क्लियरिटी? देखिए युवा जो है ना आजकल का युवा इंस्टाग्राम रील्स देख के सुबह जो है आईएएस बनता है, शाम को बिजनेसमैन बनता है और रात को कुछ और बन के जो है सो जाता है, तो देयर शुड बी क्लियरिटी क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनना चाह रहा या फिर नहीं बन पाया किसी वजह से, तो उनके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्य को लेके अपना पूरा जीवन जवानी बर्बाद कर देना। मेरे व्यक्तिगत विचार है कि एक ही चीज़ पर हम अपनी जो एज है उसे पूरा समय नहीं लगा सकते पूरा, ठीक। तो फिर इसमें क्लियरिटी कहाँ रही, वो अपना समय उधर भी दे रहा है इधर भी दे नहीं रहा है। आप मान लीजिए 1 साल तैयारी करिए 2 साल तैयारी करिए, जब आपको एहसास हो जाए कि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो प्लान बी, मगर ऐसा नहीं कि आप जो है पूरा 10-15 साल लगा दिया उसी में, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इस तरीके की समस्याएं जो है आजकल के युवा में देखिए। अभी मैं कल परसों बीबीसी का इंटरव्यू देख रहा था, उस व्यक्ति ने अपने जो है 12 साल जो है सरकारी सेवा में सरकारी तैयारी में लगा दी, पीपीएससी की तैयारी में, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है।
ठीक है सही। जैसे प्रकाश के जीवन में कोई एक लड़की आई थी कैंपस में, हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है जो उसकी जो एक नींद कई आती है पर एक ऐसी आती है ना जो उसका पूरा चल रहा होता सब मतलब सिस्टम उसका एकदम बिल्कुल परिवर्तित कर देती है, जीवन परिवर्तित कर देती है, सिस्टम नहीं जीवन परिवर्तित, जीवन ही परिवर्तित। तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों को किस क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए? नहीं ठीक है, अनुभव है, व्यक्ति हर एक अनुभव से सीखता है। एक जो एक होता है ना कि पूर्वाग्रह, व्यक्ति को जो करना है वो वही करेगा चाहे हम कितने ही समझा लें। तो हर एक का अनुभव है, वो अपने अनुभव से सीखता है। मुझे कई लोगों ने बताया होगा कि ऐसा करनी ऐसा करो, कह गया मैंने अपने मन का ही। हाँ। तो वैसे ही आपको भी कोई बताएगा कि ये करो वो करो, अगर करोगे आप अपने मन। हाँ वही है ना कि सुनो सबकी करो अपनी। हाँ वही। अच्छा कैंपस में आपने बताया ना करना उसे अपने मन की है। कैंपस में काफी लोग कहते हैं, स्पेशली नॉर्थ कैंपस की बात करी जाती है कि यहाँ की जो हवा से लोग कहते हैं थोड़ा बच के रहो इससे, तो कुछ लोग इसी से बचने के लिए साउथ कैंपस भी चले जाते हैं कि चलो वहाँ से थोड़ा दूर रहेंगे इन सब चीजों से। तो क्या एज अ डिस्ट्रैक्शन आप देखते हैं इसको? डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, आप गांव में भी जाइएगा तो डिस्ट्रैक्शन है, तो कुछ माया आकर्षण जिसके कहते हैं। जा सकता है क्या ऐसा? नहीं नहीं, ये तो आप अगर डिस्ट्रैक्शन से भागने वाला व्यक्ति है अगर हिमालय पे भी चला जाए तब भी नहीं भाग पाए। वो भागते हैं स्पेशली कि हम यहाँ पर नहीं, ऐसा डिस्ट्रैक्शन ये एक भ्रम की स्थिति है। हाँ। भ्रम की स्थिति ये है कि हम लोग भागने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रैक्शन से, लेकिन जो मेरा अनुभव है कि अगर आदमी डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा तो वो भीड़ में भी रहेगा तो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके लिए महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हाँ जी सर, डिस्ट्रैक्शन पे एक बहुत जाने माने अदाकार है पीयूष मिश्रा जी, उन्होंने एक किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर आप रोड चलते या फिर शोर शराबा जहाँ हो रहा वहाँ पे अगर आप कुछ क्रिएटिव बन पा रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। तभी आपकी वरना आप हिमालय पे भी चले जाइएगा तो भी डिस्ट्रैक्ट वहाँ। और अगर आप मेंटली नहीं सही हैं तो आप कहीं भी चले जाएंगे, आप डिस्टर्ब भी रहेंगे। और राजनीति के ऊपर अगर जैसे आपने बताया ना देखी जाती है कैंपसों में, उसके कुछ एक आधा अगर कुछ एग्जांपल मिले बताओ किस तरीके की होती है तो थोड़ा क्लियर हो पाए। बाबाओं का जैसे सूरज जी ने भी बोला कि बाबाओं के बारे में, तो बाबाओं के बारे में एक लाइन है कि चुनाव आएंगे जाएंगे बाबा बने रहेंगे तो बाबाओं का काम ही है जो है चुनाव करना कराना। आपने देखा होगा हर बार चुनाव में पता नहीं कितने पुराने लोग आ जाते हैं, वो पूरा चुनाव मैनेजमेंट और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो और बाबाओं की ऐसी बात नहीं, पकड़ भी रहती है थोड़ी बहुत। तो जो चुनाव है विश्वविद्यालय का चुनाव एक हफ्ते के अंदर संभव नहीं, पॉसिबल हो पाएगा तो बाबाओं की उसमें बदल दी जाती है। बड़े बड़े बाबा, पुराने पता लगा 20-20 साल पुराने बाबा भी जो है कैंपस में आके अपना संपर्क सूत्र बना के कहीं ना कहीं। तो ये बताइए कि बाबाओं का जो संगत होता है वो सही होता है या फिर खराब होता है? देखिए किस मायने में आप देख, हर जगह पे हर तरीके के लोग होते हैं, सही लोग मिलेंगे कुछ गड़बड़ लोग मिलेंगे, किसी कोई सुधार देता है कोई बिगाड़ देता है ये स्वयं के विवेक पर आधारित है कि कितना जो है वो हाँ। तो करना चाहिए। कुल मिलाकर के तरीके से कहना जा रहा है कि कैसे भी एक्सपीरियंस लाइफ के उसे देख लेने चाहिए, कर लेने चाहिए, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। हाँ स्वयं के विवेक पर आधारित है, बाकी बात वहीं पे आ जाती है कि सुनो शक्ति करो मन की। हाँ वो बात आई जाती है, बात लोग करते हैं सावधान रहें सतर्क रहें, सावधान रहना चीन चीज से सतर्क रहना चाहिए ये वाला। तो देखिए आप बच्चे को बोलेंगे ना, किसी भी बच्चे को बोलेंगे कि आग से न छुओ, आग को न छुओ जल जाओगे, मगर फिर भी वो छूता है जब तक उसे स्वयं का अनुभव नहीं होता तब तक वो जो है चीजें करता ही करता है और वो सीखता भी है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि जो है कि ये चीज नहीं करो, लेकिन चीजें जो है जब तक स्वयं पर नहीं होती तब तक वो जो चीजें सीखता नहीं है। अच्छा। तो पूरी उपन्यास जो है आपने काफी सारे शॉर्ट स्टोरी भी होंगी इसमें और काफी सारी चीजें पैरेलल भी चल रही होंगी। हाँ, तो कुल मिला के कोशिश की गई है 3 साल का जो एक समय काल है उसे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या सामाजिक बदलाव, क्या क्या राजनीतिक बदलाव जो मुख्य किरदार है वो झेल मतलब अनुभव करता है, उसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा कि गाँव में जाके चुनाव लड़ जाता है और जीत भी जाता है। तो एक कोशिश की गई है कि कैसे बदलावों को जो है एक किताब में पिरोया जाए, एक उपन्यास में पिरोया जाए। अगर इससे एक अलग सवाल पूछूं कि आपने दर्शन विषय क्यों चुना, उसके बारे में कुछ बताएं? दर्शन शास्त्र से पहले मैंने बीए दर्शन शास्त्र से किया हिंदू कॉलेज से, और उसके बाद समाज शास्त्र से भी एमए किया, उसके बाद फिर दर्शन शास्त्र से किया, क्योंकि मैं दर्शन और समाज को जो है ना
एक दूसरे में संबंध देखना चाहता था कि क्या संबंध है, क्या निकल गया है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। दर्शन है तो समाज भी है, समाज कुछ चीजें जो है सामाजिक दर्शन से निकलती, अनुभवों से निकलती हैं, फिर वो दर्शन दार्शनिक विचार बन जाती हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, फिर स्पेशली इसके बारे में कहना कि फिलोसफी और समाज शास्त्र आपस में रिलेटेड है। देखिए, एक सीधा सा एग्जांपल दूंगा। अगर एक रिक्शा चालक से आप पूछेंगे कि आपके जीवन में क्या चाहिए, तो वो बोलेगा कि पूरे दिन की मजदूरी मिल जाए, बस शाम को सोना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए वही दर्शन है। लेकिन अगर कोई हमसे जैसा, मतलब कि कोई किसी बुद्धिजीवी से, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनसे बोलेगा तो वो 55 थ्योरी बता देगा कि ऐसे ये दर्शन है, ये दर्शन, ये दर्शन है। तो सामाजिक जो जो किसी का जो दायरा है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है दार्शनिक विचार बनाने में। चलिए, तो पुस्तक मेरे हाथ में जो पुस्तक है, इसका शीर्षक है बी ऑनर्स और इसके लेखक हैं विकास जी। ये आपको अभी हिंदी वर्जन में मिलेगा, थोड़े दिनों में ही अंग्रेजी वर्जन इसका लॉन्च होने वाला है और आपको मिल जाएगा। इसके जो प्रकाशक हैं bazooka.com के तरफ से हुआ है और इसका मूल्य जो है MRP 275 रुपये है। लेकिन और इसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन किंडल, सारे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप इसको पा सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आपको अगर कैंपस की यासिकी विश्वविद्यालय, UPSC, पटेल चेस्ट, पॉलिटिक्स और बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप रुचि रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। एक चीज और मैं बताना, और विकास जी बताएंगे इसकी खासियत और क्या है। नहीं, ये पूरा कोशिश की गई है, ये उपन्यास जो है काफी मेहनत से लिखा गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो आ चुका है और जल्दी उसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और हमारे मित्रों के सहयोग से ऐसा डिसीजन लिया गया है कि 1000 कॉपी जो है हम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को जो है निःशुल्क देंगे, ताकि जो इस वो उपन्यास को पढ़ के इसका आनंद ले सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं आगे के लिए आपको। धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस चैनल पर आमंत्रित किया और इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और आशा है आपसे फिर इंग्लिश वाले के बाद मुलाकात होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल इंतजार रहेगा। बिल्कुल, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम भी बहुत आभारी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।